हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे प्लेसेस और आप लोग देख रहे हैं हमारी आइसलैंड ट्रैवल सीरीज। और पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। उधर माउंटेन्स हैं और ऊपर ऐसे क्लाउड्स आ रहे हैं और थोड़े से घर हैं, और उन्हीं एक घरों में से है हमारा एक और न्यू हॉलीडे होम। हम लोग इस फार्म में 3 नाइट रुकने वाले हैं और उसके बाद ये हम लोग यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे वापस एयरपोर्ट एंड बैक टू नेदरलैंड्स। बट आप देखिए सबसे पहले कि हम लोग किस एरिया में रह रहे हैं और कैसा है हमारा ये हॉलीडे होम, क्योंकि यू विल रियली लव इट। इट्स अमेजिंग प्लेस, एंजॉय द शॉट्स। क्या आपको पीछे के माउंटेन्स देख के गेम ऑफ थ्रोन्स का जो ड्रैगन जहाँ पे लैंड किया था उस शॉट्स की याद आ रही है क्या? ऑलमोस्ट सिमिलरली ऐसा ही कुछ था वहाँ पे। वैसे ये जो हॉलीडे होम है बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे है, देख तो लिए ही आपने शॉट्स। इधर पूरे यहाँ पे ऐसे शीप्स हैं, अभी मॉर्निंग में तो ना बिल्कुल यहीं पर थे, बट अभी हम जैसे ही हम लोगों ने गेट खोला ना, वो डर के मारे उधर भाग गए। और इधर पूरा फार्मिंग भी हो रहा है, आइसलैंड में फार्मिंग होती है। और इधर से जा रही है ये एक मेन रोड, इतने अमेजिंग दिख रहा है ना, इतना सीनिक है एक्चुअली, एवरीथिंग इज सो सीनिक। और ये है हमारा घर। नहीं कुछ नहीं हुआ, थोड़े से ही गिरे थे, और शीप्स तो दिखा दिए आपको। इधर ना हॉर्सेस भी हैं, और मुझे आइसलैंडिक हॉर्स का टूर करना था, बट शायद वो हो नहीं पाएगा, फुली बुक्ड है, हम लोगों ने पहले से बुक नहीं किया था। बट अगर आपको बुक करना है तो आप पहले से बुक कर कर आइए, हमारी तरह मत करिएगा। आइसलैंडिक हॉर्स टूर यहाँ नहीं होता है, बट यहाँ हॉर्स हैं, तो अगर हो पाएगा ना तो उनके पास जाकर जरूर देखेंगे। आप देते हैं आपको हॉलीडे होम टूर और स्टार्ट करते हैं किचन से। सो दिस वाज आवर किचन, छोटा सा किचन था, बट एवरीथिंग इट हैड, एवरीथिंग दैट वी वांटेड फॉर 4 पीपल और विद अ किड, परफेक्ट था। सबसे अच्छा था कि इसमें ये था हॉट प्लेट्स, और इसलिए सारा कुकिंग वुकिंग कर पाए। हम लोगों ने बाहर बिल्कुल भी खाना नहीं खाया आइसलैंड में, वी डिड ऑल द कुकिंग, और जो भी लेके आए थे नेदरलैंड से, इट हैड माइक्रोवेव, फ्रिज। एक चीज़ का कमी था, वो था डिश वॉशर नहीं था इस वाले हॉलीडे होम में। और देख ही सकते हैं हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग आर लास्ट बिट ऑफ क्लीनिंग एज वेल। तो सारे टाइप के यूटेंसिल्स थे, और व्यू देखा है आपको यहाँ से, सी दिस वॉज द फार्म जो हमने आपको बाहर से दिखाया। और वो देखिए शीप्स खड़े हैं सारे। बारिश हो रहा है वैसे आज, वैसे आइसलैंड में कभी भी बारिश होता है, कभी भी सन आ जाता है। एंड दिस वाज द डाइनिंग टेबल फॉर 4 पीपल, और हमारे पास लिविंग रूम भी था। सो दिस वाज द लिविंग रूम, पूरा अच्छा सा सेटअप है, और ये पूरा वुडन का है, देखिए फ्लोर भी फुल वुडन है, और बाहर से भी दिखाया ही था आपको। It had TV as well, but सिर्फ TV में आ रहे थे 2 चैनल, आइसलैंडिक चैनल्स। और इस वाले हॉलीडे होम में थे 2 बेडरूम्स, एंड दिस इज़ 1 ऑफ इट, और इसके अंदर वॉश बेसिन भी था। और हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा पूरा बैग पैक कर दिया है, और अब आपको दिखाते हैं दूसरा बेडरूम। हाँ, वी हैव 2 सेपरेट बाथरूम्स एज वेल, सो दिस वॉज 1 ऑफ द बाथरूम दैट वी हैड। Everything was there which we needed it. And then here comes the second bedroom, or in fact it had 1 more, so 2 beds aur ek aur bed, extra bed bhi tha. So yeah, this was the second bedroom, and as I was telling, 2 bathrooms bhi the, so we had separate 2 bathrooms as well. So this was the another one. And here is our yellow and red jacket. पूरा आइसलैंड ट्रिप में आपको यही जैकेट दिखेगा, क्योंकि हम भी जैकेट लेके आए, ठंड इतना है कि इसको पहन के ही बाहर जा सकते हैं। सो दिस इज एंड ये था एंट्रेंस,
And you can see it's raining. Really like cat and dogs. तो ये था हमारा हॉलीडे होम इन आइसलैंड थर्ड एंड लास्ट. और आज हम लोग जाने वाले हैं ब्लैक डायमंड बीच एंड वी विल वॉच मोर ग्लेशियर्स. और जैसे कहा जाता है ना, आइसलैंड इज लैंड ऑफ फायर एंड आइस. तो फायर दिखा दिया, आइस दिखा दिया, बट अभी और भी आइस देखना बाकी है. तो चलिए हमारे साथ और इंजॉय करिए इस वीडियो को. सो लेट्स गो. And see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. पहुंच गए हैं हम लोग यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर. नाम मैंने लिख दिया है, ये है जगह. और ये देख पा रहे हैं आप, दीज आर आइसबर्ग्स. और अभी एक आइसबर्ग पूरा वहां से हम लोग जब तक यहाँ पहुंचे, हमसे भी तेज स्पीड से यहाँ तक आके टकरा गया है. और वो है ग्लेशियर. कल ग्लेशियर वॉक किया था, आज ऐसे आइसबर्ग्स देख रहे हैं. और ये लगून है और ये पूरा पानी जा रहा है टुवर्ड्स अटलांटिक सी. वहाँ पे ब्लैक सैंड बीच है और उधर उसको डायमंड बीच भी बोलते. तो दिस ऑल आइसबर्ग्स आर गोइंग टुवर्ड्स देयर एंड दिस प्लेस इज अमेजिंग. और यहाँ भी हम ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, विंडी कितना हो रहा है. यहाँ भी ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते बिकॉज पहले जब आए थे ना तब अलाउड था. अभी ये नेशनल पार्क है तो यहाँ भी ड्रोन फ्लाई करना एटलीस्ट इस एरिया में तो नहीं अलाउड है. देखते हैं अगर उस तरफ जाएंगे तो अलाउड है कि नहीं. बट अमेजिंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन आइसलैंड. मेगा, वेयर आर यू गोइंग? आई सी अ स्मॉल पीस ऑफ आइस देयर. ओह यस. Coming directly from iceberg. See, this is the purest form. Last time जो हम लोगों ने यहाँ पे boat ride किया था ना, उसने हमें कहा था ये खा लो. योकल सार्लोन, शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं इस जगह को. ये एक ग्लेशियर लगून है. ग्लेशियर आउटलेट धीरे धीरे मेल्ट होकर एक लेक फॉर्म कर देते हैं एंड इसको ग्लेशियर लगून कहा जाता है. ये प्लेस आइसलैंड का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस है. हम लोग इस प्लेस को सेकेंड टाइम देखने आए थे एंड वर ट्रूली अमेज्ड बाय इट्स ब्यूटी अगेन. डिफरेंट शेप्स के छोटे बड़े ग्लेशियर आइसबर्ग्स लगून में फ्लोट करते हैं. एक बड़ा सा आइसबर्ग तो हमारे सामने ही फ्लिप हो गया था. फ्लोटिंग आइसबर्ग्स फिल्ड विद ब्लू, ब्लैक एंड वाइट कलर्स, माइटी ग्लेशियर्स इन द बैकग्राउंड एंड ब्लू स्काई इन द होराइजन पूरे लैंडस्केप को इतना मेमोरेबल बना देते हैं कि आप उसको कभी भी नहीं भूल सकते. We had so much fun there. दूसरी बार आने के बाद भी हमको first time की तरह ही excitement था. And यहाँ पर हमने बहुत enjoy किया.
क्या आपने सोचा है कि ग्लेशियर आइस ब्लू क्यों होती है, वाइट क्यों नहीं? बिकॉज वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लू को नहीं करती है, ब्लू को ट्रांसमिट कर देती है, एंड इसलिए उसमें ब्लू कलर अपीयर होता है। वॉक करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। पहले पूरा खाली था, जैसे ही हम लोगों को देखा लोगों ने कि यहाँ वॉक कर रहे तो बहुत लोग आ गए। वैसे ये वाला जो आइसबर्ग दिख रहा है ये है ना अभी जस्ट पलटा, और देखेंगे ना तो देखिए आधा क्या है वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तो वो नीचे से ऊपर आया है और ऊपर का तो नॉर्मल दिख ही रहा है। वैसे आपको पता है ये आइसबर्ग ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि ये सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर रहा है और ब्लू नहीं कर रहा है, इसलिए इट लुक्स ब्लू। और यहाँ सील भी है, तो अभी एक सील दिखी। वैसे अगर आप बोट राइड करते हैं ना तो और अंदर जाते हैं तो और ज़्यादा सील दिखती है। वैसे अभी एक पास में दिखी थी, हम लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश करी है, लेट्स सी हाउ इट कम्स। और बर्ड्स तो दिख ही रहे, लाइक ये इतना सुंदर जगह है ना, लाइक हम लोग तो सेकेंड टाइम आए हैं और कोई मुझसे बोले वापस आना है यहाँ पर तो येस आई कैन कम अगेन। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। ग्लेशियर लगून पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप आसपास एरिया में वॉक करके अलग अलग आइसबर्ग्स को देख सकते हैं। कई बार सील्स स्विम करते करते किनारे तक आ जाती है तो आप उसे भी देख सकते हैं, एंड अगर आपको कोई आइसबर्ग का पीस मिले तो उसे टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर बोट टूर्स भी कर सकते हैं। ये बोट्स आपको ग्लेशियर लगून के बीच में ले जाकर और भी क्लोज से आपको आइसबर्ग्स दिखाएंगे। यहाँ पर स्मॉल एंड बड़े दोनों साइज के बोट्स होते हैं एंड दोनों से आप बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आइस केव्स एंड ग्लेशियर वॉक के टूर्स भी होते हैं। लगून के आसपास आइस केव्स भी होते हैं बट वो सिर्फ विंटर पीरियड में ही होते हैं, मिड अक्टूबर से मार्च के बीच में। आप यहाँ पर गाइडेड टूर लेके आइस केव्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्लेशियर लगून की जो लेक है वो आगे जाके ओशियन में मिल जाती है एंड वहाँ एक बहुत ही यूनिक बीच एक्सपीरियंस होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। हर एज ग्रुप के लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप इस जगह पर पहुँच कैसे सकते हैं? योकल सारलॉन ग्लेशियर लगून का टूर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप रेंटल कार लेकर आइसलैंड की रिंग रोड ट्रिप कर रहे हैं तो इस प्लेस को विजिट करना बहुत आसान है। रेकियाविक से अराउंड 380 किलोमीटर्स दूर है ये ग्लेशियर लगून, एंड मेन रोड से ही आपको दिख जाएगा, सो यू कैन नेवर मिस इट। अगर आप रेंटल कार नहीं ले रहे हैं तो आपको ग्रुप टूर से ही एक्सप्लोर करना होगा, एंड ये एक फुल डे ट्रिप है एंड इसे बहुत सारे टूर ऑपरेटर कवर करते हैं। आज सन तो बाहर है बट इतना तेज विंड चल रहा है ना, बहुत ही तेज विंड। बट अब जाते हैं डायमंड बीच की तरफ। आपको पता है इसे डायमंड बीच क्यों बोलते हैं? अगर पता है तो लिखिएगा जरूर, वहां डायमंड्स मिलेंगे। लेट्स गो देयर। Thank you.